हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ये क्या है, इसे कैसे एवं कहां से करेंगे। सो आप लोगों के लिए NPTEL एक गुड प्लेटफॉर्म है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से NPTEL के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर इस चैनल पर नए हैं, तो उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि पहले वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड्स, NPTEL मीन्स नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग होता है। एवं फ्रेंड्स, NPTEL की शुरुआत भारत के सातों IITs ने एक साथ मिलकर किया है और इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 1999 से 2003 के दौरान हुई और इसमें इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट के कोर्सेज होते हैं। इस NPTEL प्लेटफॉर्म के द्वारा देश के बेहतरीन टीचर्स के अच्छे लेक्चर्स को आप लर्न कर सकते हैं, तो आप लोग इससे ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। फ्रेंड्स, NPTEL के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप गूगल में NPTEL.ac.in टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग के सामने पेज खुलेंगे। तो यहाँ से आप एक एक करके क्लिक करके इसे समझ सकते हैं। NPTEL में वैसे तो बहुत सारे कोर्स हैं, ये समय समय पर इनके कोर्स अवेलेबल होते रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं NPTEL जनवरी अप्रैल 2021 सेमेस्टर में भी कुछ कोर्स हैं एवं उसके बाद जुलाई दिसंबर 2021 सेमेस्टर में भी कोर्स कुछ शुरू हुए हैं, तो इसी में से आप लोग को करना है। तो यहाँ पर आप लोग जुलाई दिसंबर 2021 के लिए जो भी यहाँ पर कोर्स हैं तो उसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इस कोर्स को करने के बाद आप कब रजिस्ट्रेशन करेंगे, दैट मीन्स कब इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे, इन सभी से जुड़ी जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। एवं फ्रेंड्स, इससे जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर रजिस्टर कर सकते हैं, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे हम रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स में सभी कॉलेज के लिए पहले से कोर्सेज डिसाइड रहता है। इसमें शॉर्ट टाइम एवं लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन दोनों तरह के कोर्सेज होते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम कोर्सेज आप लोगों के लिए अच्छा है। ये कोर्सेज 4 वीक्स, 8 वीक्स एंड 12 वीक्स के होते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग 4 वीक्स वाले कोर्सेज को ही अच्छी तरह से लर्न कर लें। एवं फ्रेंड्स, आप लोग अपने कॉलेज से कोई भी कोर्सेज अपने इच्छानुसार सेलेक्ट करके कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप लोग जुलाई दिसंबर 2021 में कुछ कोर्सेज हैं जिन्हें आप लोग सेलेक्ट करके उसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स को करने के बाद आप लोग इसका सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम फी 1000 पे करके एग्ज़ाम देना होगा और ये एग्ज़ाम आई थिंक 26 सितंबर से शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार इससे रजिस्टर हो जाते हैं तो आप लोगों को समय समय पर आपके मेल पर NPTEL से जुड़े हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बस आप लोग अपने मेल से हमेशा अपडेट होते रहें। फ्रेंड्स, वैसे तो ये कोर्सेज कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग में से केवल फर्स्ट एवं सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों के टर्म वर्क के सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो भी आप लोगों को टर्म वर्क के सिलेबस में होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस कोर्स में सेलेक्ट करके उस टॉपिक को आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 26 जुलाई 2021 है, यानी कल तक है, तो आप लोग इसे जल्दी ही रजिस्ट्रेशन करें। आप लोग इसे स्वयं ऐप से भी रजिस्टर कर सकते हैं, बस आप लोग केवल अपने ईमेल आईडी एवं उसके पासवर्ड से साइन अप करके रजिस्टर कर सकते हैं। स्वयं ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके इंस्टॉल करके और उसमें से आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस कोर्स को करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, या फिर आप लोगों को अपने HOD से भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं एवं वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पेज खुलेंगे और फिर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं एवं ज्वाइन करने के बाद आपसे जो भी डिटेल्स पूछा जाएगा उसे आप सही सही फिलअप करके वहाँ से सेव कर सकते हैं, जिसे हम आगे आप लोग को एक डेमो के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग अपने मेल आईडी एवं पासवर्ड से गूगल में जा करके NPTEL सर्च करके वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का जो भी मेल आईडी एवं पासवर्ड से गूगल लिंक्ड होगा तो डायरेक्ट आप वहाँ से गूगल को भी क्लिक करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दिए गए लिंक या फिर आप अपने HOD के द्वारा दिए गए लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा
अगर आप लोग का गूगल पहले से किसी भी मेल आईडी से लॉगिन है तो आप डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं। देन फ्रेंड्स, आप लोग ज्वाइन कर इसमें अपना सारा डिटेल्स मेरे द्वारा बताई गई डेमो के अनुसार अपना सही सही डाटा फिलअप करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है बाय प्रोफेसर इंद्रवा रॉय और उसके नीचे ज्वाइन है लिखा हुआ, तो इस ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही फ्रेंड्स इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने ये पेज खुल गया और यहाँ पर आप ज्वाइन करने के लिए अपने गूगल से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, तो जिस पर आपका मेल कनेक्ट हो या ईमेल आईडी जिस पर आपका है, अगर गूगल से आपका पहले से मेल बना हुआ है या गूगल से अगर आप जिस मेल से कनेक्ट हैं तो आप डायरेक्ट यहां पर गूगल को क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। और नहीं फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी मेल से कनेक्ट नहीं है गूगल, तो आप जस्ट यहाँ पर नीचे यूजर्स नेम एंड पासवर्ड दिया हुआ है तो आप इसे एक एक करके फिलअप करके यहाँ पर साइन इन कीजिएगा। और जैसे आप साइन इन करेंगे तो एक न्यू पेज आपके सामने क्लिक होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर पहले से गूगल में मेल कनेक्ट है तो इसे हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेंगे और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर अपना अपना सारा डिटेल्स सही से भरिएगा। इसे हम आप लोग को एक डेमो के द्वारा यहाँ पर समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर अपना नेम भर देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद फ्रेंड्स अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हिच एज ग्रुप डू यू बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग का जो भी एज होगा उसको यहाँ पर डालना है, जिस एज ग्रुप के बीच में आप लोग आते होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 13 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से दिया हुआ है। तो ज़्यादातर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट 30 से 20 के बीच में होते हैं, तो उस इसलिए हम इस एज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोग अगर इसमें होंगे तो इसको आप लोग सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स है नेक्स्ट, यहाँ पर कंट्री रिसाइडिंग है करेंटली है तो आप लोग यहाँ पर इंडिया लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशन, तो आप लोग का जो प्रोफेशन है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग को डालना है। नेक्स्ट है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा यहाँ पर डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, तो जब आप लोग का सेमेस्टर पूरा होगा यहाँ पर हम उस हिसाब से डाल दे रहे हैं 2022। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एजुकेशन डिटेल्स पार्ट ऑफ ए स्वयं लोकल चैप्टर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग को यस करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स इफ़ यू आर ए स्टूडेंट फैकल्टी इन ए कॉलेज गो टू, ये एक लिंक दिया हुआ है, एंड चेक इफ़ यूर कॉलेज इज एन स्वयं लोकल चैप्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमेशा यस करना होगा। और एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अगर उन्होंने यहाँ पर नो कर दिया है तो उसे घबराने की बात नहीं है, ये बाद में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो वो यहाँ पर यस ही डालेंगे, तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखें। नेक्स्ट है फ्रेंड स्टेट, तो यहाँ पर आप लोग बिहार के हैं तो बिहार को डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग जिस कॉलेज के हैं उस कॉलेज का नाम डाल देना है। उसके बाद जो भी आप लोग का रोल नंबर होगा वो आप रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिग्री, तो आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा को डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग जिस ब्रांच के होंगे उस ब्रांच का नाम यहाँ पर दे देना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग जिस ईयर में होंगे, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या फर्स्ट ईयर में तो उसे फर्स्ट ईयर, अदरवाइज आप सेकंड ईयर डाल सकते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर दिए। तो इस तरह से फॉर्म को आप लोग सही सही से डिटेल्स भरना है। हम यहाँ पर जस्ट आप लोग सामने डेमो के द्वारा इसे समझा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग इसे अच्छी तरह से सारे डिटेल्स को फिलअप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में यहाँ पर दो चेकबॉक्स दिया हुआ है, इसको टिक करना है। आफ्टर दैट सेव बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ न्यू पेज खुलेंगे और ये आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलेंगे, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स, यानी आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे
रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके मेल पर समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, मतलब कि कब इसका एग्ज़ाम देना है, कब फॉर्म भरना है, इस तरह की सारे इन्फॉर्मेशन आपके मेल पर आते रहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ कोर्स है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसके बारे में यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है और उससे रिलेटेड एक लिंक भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे, आप लोग फर्स्ट एवं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, हम ये मान करके चल रहे हैं, इसलिए कि फर्स्ट एवं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को ही फिलअप करना है और ये दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो भी उनका पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है, तो उसमें जो भी है टॉपिक उसको ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होगा। तो उसी हिसाब से आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट करके और तब जाकर के यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके कोर्स दिखेंगे और तब जाकर के आप इसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के सामने एक डेमो के द्वारा कैसे ज्वाइन करना है इसको समझाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बार और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि पूरे बिहार में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डेट दिया हुआ है। इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट मैंने 26 जुलाई बताया था, जो कि कुछ कॉलेज में इसको एक्सटेंड करके 3 अगस्त तक किया गया है और हो सकता है कि कुछ कॉलेज में 26 जुलाई ही हो, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से अपने कॉलेज में जाकर के पता कर लेंगे और इसे ज़रूर से ज़रूर रजिस्टर करके आप लोग इसे करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए डेमो के अकॉर्डिंग आप लोग अपना रजिस्टर अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर एवं सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।